से अभी चालू कर रहे हैं। तो हम लोग पहला दिन आपको जो इंस्ट्रक्शंस है, जो किस तरह से आपको ये मेडिटेशन या भावना करना है, उसके बारे में हम बताएंगे। और पहले बात आपको जानना है कि जो भी आपने पहले सीखा है, अगर मेडिटेशन के हिसाब से या भावना के हिसाब से, उससे ये थोड़ा अलग रहेगा। तो हम जो इंस्ट्रक्शन आपको अभी यहाँ पे दे रहे हैं, आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। हमारा यही आपका आग्रह रहेगा कि जो भी हम आपको कहते हैं उसी तरह से आपको करना है। जब हम कहते हैं कि मौन आपको रखना है, तो आपको मौन रखना है, 10 दिन का ये मौन रखना है, तो आपको रखना है। अगर हम कहते हैं कि आपको 6 घंटे मेडिटेशन करना है दिन का, तो आपको 6 घंटे मेडिटेशन करना है, और वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो शेड्यूल चालू होता है, सुबह 5:30 बजे आप लोग आएंगे यहाँ पे, हम अर्थशील लेते हैं, धर्मपदा के जो गाथा है वो हम पढ़ते हैं, और उसके बाद आपका मेडिटेशन चालू होता है। और उसके बाद में आप 7 बजे ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, उसके बाद में आपको समय मिलता है 8:30-8:30 बजे तक आपको वापस आना है हॉल में। और ये जो मेडिटेशन फिर से 8:30 बजे आप आते हैं, तो फिर 11 बजे तक आपका रहता है मेडिटेशन करने का टाइम, तो 2.5 घंटा से 3 घंटा आपको फिर से वहाँ पर मिलता है। सुबह आपको 1 घंटा से 1.25 घंटा मिलता है। उसके बाद में आपको लंच के बाद में भी आपको 2 बजे तक का टाइम मिलता है, तो आपने आधा घंटे में लंच किया, उसके बाद में 1.5 घंटा आपको फ्री टाइम मिलेगा। सो उसके बाद में हमारा जो 5 बजे फिर से ब्रेक जब होता है, ब्रेक के बाद में जब धम्मा टॉक हम लोग यहाँ पे रोज बुद्ध के गाथा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो सुक्ता है, और बुद्ध की वाणी आपको सुनाएंगे, और किस तरह से आपको मेडिटेशन के बारे में उसके अंदर से आपको जानकारी मिलेगी। सो वो 6:30 के बाद में 8:30 बजे तक सब जो या 8 बजे तक हुआ वहाँ हुआ, तो फिर से आपको 2 घंटे या 1 घंटा मिलता है आपको रात में मेडिटेशन करने के लिए। तो आपको ये अच्छा समय मिलता है आपको पूरा दिन मेडिटेशन करने के लिए। तो 6 घंटा ही हम बोल रहे हैं आपको बैठ के मेडिटेशन करना है 6 घंटा, और अगर आप उठे मेडिटेशन से तो फिर आपको वॉकिंग मेडिटेशन करना है, 15 मिनट मिनिमम आपको वॉकिंग करना है आप दूसरी बार बैठने से। क्यों वॉकिंग करने का कहते हैं, क्योंकि जब आप बैठते हैं एक ही जगह पर, तो आपके आपका जो शरीर का रक्त है वो पैरों की तरफ जाता है, तो जब आप चलते हैं तो पूरा रक्त अपने शरीर के अंदर फिर से फैलने लगता है, तो उसे आपको फिर अगर आप बैठेंगे मेडिटेशन में तो आपको फायदा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी आपको कहा जा रहा है, वो उसके बारे में आपको बराबर से ध्यान रखना है, और उस तरह से आपको पालन करना है। तो मौन का पालन जो है सबसे आपको कठिन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो आदत है वो है दिन भर बात करने का, किसी से कुछ भी हुआ तो आपको बात करके आप ये आप बताते हैं, पर यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं मौन रखना है। अगर कोई कारण से आपको बात करना है, तो सिर्फ आप जो यहाँ पे धर्म सेवा दे रहे हैं या मुझसे आप बात कर सकते हैं। और हम रोज जो है, आज 10 तारीख है, 11 तारीख को आपका पूरा दिन आप मेडिटेशन करेंगे, फिर 12 तारीख से हम इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि हम आपसे पूछते हैं कुछ सवाल, तो कुछ सवाल आपको पूछेंगे और उस सवालों का आपको जवाब देना है, और उसके से हमें पता चलेगा आपका मेडिटेशन क्या जा रहा है, और हम आपको इंस्ट्रक्शन करेंगे। सो रोज आपको 12 तारीख से अपन ये भी चालू रहेगा। सो पहले आपको जानना है कि जो भी आप भावना किया है पहले, वो आपको फायदेमंद रहेगा। जो भी आप करते हैं, आपने कभी कुछ लोग विपस्सना करते हैं पहले, या फिर समता या का मेडिटेशन करते हैं, जो भी आपने किया है वो आपको फायदेमंद रहेगा। मगर जो हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस तरह से आपको यहाँ पे करना है। जो हमारा जो मेडिटेशन है, हम उसका नाम देते हैं ट्विन। जो हमारा जो गुरु है बंती गुरुराम सिंह, उन्होंने नाम दिया है ट्विन। ट्विन का मतलब है ट्रैंक्विल विजडम इनसाइट मेडिटेशन, तो इसका मतलब है समता और विपस्सना दोनों एक साथ में हम करते हैं। और हमारा जो मेडिटेशन का जो ध्येय रहता है,
जो हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो कहते हैं, जिस पे हमारा जो ध्यान केंद्रित रहेगा वो ब्रह्म विहार है। ब्रह्म विहार में चार चीज आते हैं, मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो ये चार चीजें रहती है। तो हम पहले मेत्ता से चालू करते हैं। तो पहले जो हम मेडिटेशन चालू करते हैं, तो पहले हम एक कल्याण मित्र रखते हैं। जो महिला है उसके लिए महिला कल्याण मित्र रहेगी, जो पुरुष है वो उसके लिए पुरुष कल्याण मित्र रहेगा। और ये कल्याण मित्र जो है वो परिवार का सदस्य नहीं रहेगा। वो जो ये कल्याण मित्र है वो मृत नहीं रहेगा, जो है जीवित है व्यक्ति उसी को आपको कल्याण मित्र के तरह लेना है। और वो जो व्यक्ति है वो बीमार नहीं रहना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल में है या इस तरह से ज्यादा बीमार है उस व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। तो फिर से आपको बताना है कल्याण मित्र कौन रहेगा, पुरुष या महिला। जो आप अगर पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला। फिर वो परिवार का सदस्य नहीं है और वो मृत नहीं है, वो बीमार नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो आपको दिल से लगे कि उसके बारे में आपकी अच्छी भावना है और उनका अच्छा भला हो, ऐसा सोचते हैं आप कि दिल से किसी का बारे में आप अच्छा सोचते हैं, आप उनको चाहते हैं कि उनका भला हो, वैसा एक व्यक्ति को आपको चुनना है। जब आप वो व्यक्ति को चुनते हैं उस व्यक्ति को नहीं बदलते हैं, पूरा मेडिटेशन के दौरान आप उसे नहीं बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक व्यक्ति को लिया फिर बोला कि नहीं मुझे जम नहीं रहा था दूसरा, तो मुझसे बात करने से पहले आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो एक कल्याण मित्र लेना है जो आपको पसंद है और आप वो दिली कलम तमन्ना है आपको कि वो अच्छा उनका हो, वो सुखी रहे, वो आपको पहले ध्यान रखना है। सो आपने पहले आपने कल्याण मित्र चुना और उसके बाद में आपको पहले जब बैठते हैं तब आपको अपने आप को 10 मिनट मेहता देना है। एक या दो दिन ही वो आपको करना है। जैसे हमारा इंटरव्यू चालू होगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी आपको अपने आप को नहीं भेजना है, आप सिर्फ कल्याण मित्र को भेजना है। तो जब आप शुरुआत करते हैं तो पहले अपने आप को मेहता भेजते हैं। तो मेहता भेजने के पहले आपको कोई ऐसा प्रसंग या ऐसी बात सोचनी है जिससे आपको ये मेहता की भावना आपको दिल के अंदर या जो हृदय के जगह पे है आपको महसूस हो। तो आप क्या करेंगे कि कोई भी ऐसा प्रसंग आप सोचेंगे जिससे आपको खुशी हुई महसूस हुई है। जैसे अगर आप कोई बच्चे से खेले हैं तो आपको पता है कि कितना खुशी आपको महसूस होता है जब आप बच्चे से खेलते हैं, या कोई आपके घर में कोई पेट है जो आप लेके आते हैं उसे खेलते हैं, जैसे छोटा बिल्ली का बच्चा है या एक कुत्ता है जिससे आप खेलते हैं, तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है। तो ऐसा कोई प्रसंग आपको याद करना है जैसे आपको बहुत खुशी महसूस हुई। तो वो प्रसंग का जो यहाँ पे हृदय के अंदर आपको एक सूक्ष्म आपको या कभी कभी वार्म जैसा फीलिंग आता है, ओके, तो ये फीलिंग को आपको ध्यान रखना है। वो फीलिंग आपको पहले आपको फिर कहना कि मैं सुखी रहूं। तो पहले आपको वहां से चालू करना है कि आप 10 मिनट तक अपने आप को बोलेंगे। और कुछ लोग को ऐसा लगेगा नहीं 10 मिनट कैसे पता चलेगा, क्या मुझे आंखें खोल के मेरा वॉच देखना है, ऐसा नहीं है। 10 मिनट जैसा लगना चाहिए। ये सारी जो बातें जो हम मिनटों में कहते हैं जब आप मेडिटेशन है, 10 मिनट जैसा लगना चाहिए, ओके। तो अगर आपको 10 मिनट जैसा लगा कि आपने आपको भेजा है आपने मेडिटेशन आपने मेहता भेजा है, उसके बाद में आपको बोलना है कि मेरा मित्र सुखी रहे, तो आप वो मित्र को मेहता भेजना है। तो उस समय क्या करना है आपको, इस तरह आप सोच सकते हैं कि आपका मित्र आपके हृदय में है और आप उसको जो मेहता की भावना है उससे आप भेज रहे हैं। उस तरह से आपको सोचना है कि आपके मित्र आपके हृदय में है और आप उनको मेहता की भावना भेज रहे हैं। अगर आपको ऐसा सोचने में तकलीफ होती है तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपका मित्र कहीं पे जहाँ पे भी है वहाँ पे आपका मेहता का भावना उसको पहुँच रहा है। तो कुछ लोग जो है विजुअल नहीं रहते, मीन्स जो दृश्य देखना जो है ना उसके ज़्यादा कठिन होता है, तो वो जो है सिर्फ ऐसा धारणा भी करें कि मेरा मित्र जो है जहाँ पे भी है उनको ये मेहता की भावना पहुँच रही है। मगर आपका ध्यान कहाँ रहेगा, आपका ध्यान हृदय पे रहेगा आपका, जहाँ पे मेहता की भावना हो रही है। तो आपका मेहता की भावना आप अपने आप को भेज से 10 मिनट,
उसके बाद में आपके मित्र जो है उसको भेजते हैं। तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो 30 मिनट जो है मिनिमम आपको बैठना है। अगर आपका आँख खुलती है 30 मिनट से पहले और आप देखते हैं कि मेरा 30 मिनट नहीं हुए हैं तो आपको आंखें बंद करके वहीं पे बैठे रहना है। तो कोई भी मेडिटेशन का सेशन जो है 30 मिनट से कम नहीं रहेगा। अगर आपको पहले दिन आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे कल कि क्या क्या आपको तकलीफें आ सकती है मेडिटेशन में, तो वो जो तकलीफें हैं उसको आपको थोड़ा समझना है किस तरह से आपको आ रहा है वो तकलीफ, और उस तरह से आपको पहले आपका ग्रिड निश्चय करना है कि 30 मिनट तो मिनिमम आप बैठेंगे। तो अभी जब आप मेहता अपने आप को भेज रहे हैं या अपने मित्र को भेज रहे हैं, आपका मन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। जब आपका मन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आपको हमारा एक प्रेस हम बोलते हैं सही प्रयास, आप अंग्रेजी में 6R करके बोलते हैं क्योंकि वो याद रहने में अंग्रेजी में आसान रहता है। तो ये जो है आपको दिया जाएगा सबको, यहाँ से आपको दिया जाएगा सबको कि ये जो है आपका सही प्रयास का, किस तरह से आपको अपना ध्यान जो है भटकता है तब वापस लेके आना है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको पहचानना है कि आपका ध्यान भटक गया है। क्या कब आप पहचानते हैं, जब आप अपने मित्र को या अपने आप को मेहता नहीं भेज रहे, आपको पता चलता है कि मैं तो किसी और बारे में सोच रहा हूँ, कोई पहले क्या ऑफिस में क्या हुआ या घर पे क्या हुआ उसके बारे में सोच रहा हूँ, या पता चलता है कि मैं क्या पहले फिर अभी फ्यूचर में क्या करूँगा उसके बारे में सोच रहा हूँ, या फिर अभी क्या है बहुत गर्मी है या बारिश का बहुत आवाज़ है या जो भी है वो अभी के बारे में सोच रहा हूँ, तब तो आपको पहचानते हैं कि ये चीज़ जो है वो घट रही है। तो फिर क्या करते हैं कि उस जो सोच है आपको जो खींच के लेके गए उससे झगड़ा नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। तो उसे क्या कहते हैं, रिहा बोलते हैं या रिलीज करना बोलते हैं, तो उसको वहीं पे रहने देना है। फिर आपका जो मन का ध्यान है आपके मस्तिष्क पे लेके आना है और यहाँ पे रिलैक्स करना है। रिलैक्स मीन्स शीतल करना है या रिलैक्स करना है, आपको यहाँ पे रिलैक्स करना है। फिर आपको फिर मुस्कुराना है, यहाँ पे मुस्कुराना है और मुस्कुराने के बाद में फिर से आपको अपने कल्याण मित्र के पास आना है और उनको मेहता भेजना है। और ये तभी आप रिपीट करेंगे जब आप का जो है इसका जरूरत रहेगा, तभी आप उसको फिर से आप दोहराएंगे। तो इस तरह से ये बार बार ये चक्र चलते रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो है कोई भी चीज से आप झगड़ा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप एक श्रोता है, आप देख रहे हैं कि आपका मन किस तरह से कार्य कर रहा है। जब आप मेहता भेजते हैं तो आपका मन किस तरह से जा रहा है, क्यों जा रहा है उसे हमें चिंता नहीं है, क्यों ऐसा ख्याल आ रहा है, क्यों मेरे जो ख्याल है ऑफिस के आ रहे हैं या घर के आ रहे हैं, क्यों इस तरह के ख्याल मुझे आ रहे हैं, उसके बारे में हम चिंता नहीं करते। हमें सिर्फ देखना है किस तरह से हमारा मन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, क्योंकि जब हमारा मन जो है वो जो किस तरह से कार्य कर रहा है उसे हमें पहचानना है। कि अगर हमारा मन आपने मेहता पे रखा है, आपने अपने कल्याण मित्र पे रखा है, आप कल्याण मित्र को मेहता भेज रहे हैं और अपने आप वो मन यहाँ पे जाता है, तो आपको क्या पता चलता है कि ये अपने आप ही जा रहा है। तो अव्यक्तिगतता है इस आपके जो देखने का जो भावना है, अटेंशन जो है हम बोलते हैं, उस अटेंशन के अंदर आपका जो ध्यान है जहाँ पे वो ध्यान अपने आप ही जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर दूसरा चीज देखते हैं कि आप जो ध्यान आता है, जो लोग नहीं था, कोई जो विचार है वो नहीं था, मगर वो विचार आता है और फिर वो विचार चले जाता है। तो हर एक चीज़ जो है अनित्य है, इम्परमानेंट, जो चीज़ भी है और जो भी विचार आता है वो अनित्य है, वो हमें पता चलता है। और तीसरा चीज़ हमें पता चलता है कि जो भी चीज़ आती है उससे हम आप झगड़ा करते हैं तो आप दुख पैदा करते हैं। तो अगर सब जो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो आप अगर गर्मी ना हो ऐसा सोचते रहे कि अरे क्यों गर्मी है इतना, क्यों पसीना है इतना, तो फिर आप क्या करेंगे, जो ये सत्य है गर्मी का उस सत्य के खिलाफ आप जाते हैं। जब वो सत्य के खिलाफ जाते हैं तब आपका क्या होता है, दुख पैदा करते हैं। तब आपको पता चलता है कि जो दुख पैदा होता है, जो भी सत्य है उसके हम विरोध में जाएंगे तब आप दुख पैदा करेंगे। समझो शरीर के अंदर पीड़ा होती है,
तो आप बोलेंगे ये पीड़ा ना हो मुझे और स्त्री इसके साथ झगड़ा करने लगेंगे तो ये पीड़ा बढ़ती जाएगी। तो क्यों और ये पीड़ा का क्या होगा, ये आप दुख अपने आप को पैदा करेंगे। तो आपको पहले तो आपको इस तरह से किसी चीज से झगड़ा नहीं करना है, उसे आपको देखते रहना है। और दूसरा ध्यान रखना है कि अगर जब आप बैठे हुए हैं, आप अपने भावना कर रहे हैं, कोई पीड़ा होती है तो वो पीड़ा जो है उसके बारे में आपको जानना है कि दो तरह की पीड़ा हो सकती है आपको। एक हम पीड़ा बोलते हैं मेडिटेशन पेन, आप भावना के अंदर पीड़ा हो रही है, और दूसरा है शारीरिक जो पीड़ा है। अगर शारीरिक पीड़ा है तो आपको उस तरह से दूसरी बार नहीं बैठना है। जैसे बहुत लोग आप यहाँ पे नीचे बैठे हैं तो नीचे बैठने का कोई कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नीचे बैठने पर पीड़ा होती है और फिर आप उठते हैं और वो पीड़ा कुछ समय तक आपके साथ ही रहती है, तो आपको यह जानना है कि आपके जो पीड़ा है ये बैठने के कारण हुई है, मगर वो शारीरिक पीड़ा है। फिर तो अगर समझो ऐसा होता है कि आपको कोई पीड़ा होती है बैठने पे मेडिटेशन पे, मगर आपका जो पीड़ा जो है आप जैसे उठते हैं तब तक वो पीड़ा चली जाती है, तो आपको समझना है कि ये पीड़ा आपका जो भावना के अंदर आने वाली पीड़ा है, वो मानसिक तरीके से पीड़ा बोल सकते हैं, तो वो भावना में आने वाली पीड़ा है, वो मेडिटेशन पेन है। तो उसके उसे आपको समझना है, उससे झगड़ा नहीं करना है, और उससे आप झगड़ा नहीं करेंगे तो आप उसे सह सकते हैं। अगर आप उसे झगड़ा करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो मन का जो ध्यान है उसके ऊपर जाएगा, पीड़ा के ऊपर जाएगा। जैसे हमारा खुराक समझो चावल दाल रोटी है, तो कोई भी चीज जो विचारों से पैदा निर्मित होती है, तो उसका उसका जो खुराक क्या है, उसका खुराक है आपका ध्यान। जैसे अगर आपका पीड़ा होती है आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो और पीड़ा बढ़ेगी और तीव्र होगी, और जितना आप लड़ेंगे आप उसके ऊपर और ध्यान देंगे, जितना और ध्यान देंगे उतना वो पीड़ा बढ़ेगी। तो हर एक जो जो पीड़ा आती है आपका जो भावना के अंदर जब बैठे रहे, वो आपकी पीड़ा नहीं है, वो सिर्फ एक पीड़ा है, उस तरह से सोचना है। आपको उसे व्यक्तिगत तरीके से नहीं लेना है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि जो भी अगर अभी पीड़ा हो रही है वो किस तरह से मुझे असर कर रही है। जैसे अगर आपको पीड़ा होती है वो शारीरिक पीड़ा है, तो आपको जिस तरह आप बैठे हैं उस तरह वो बैठने का पोस्चर जो है, आपका जो आसन है वो बदलना है। या आप पहले आप चेयर पे ट्राई कर सकते हैं, चेयर पे बैठना है, या फिर आप समझो नी में अगर घुटने में पीड़ा होती है तो आप ज़्यादा कुशन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कुशन पड़े हुए, और आपका जो नी है आप जैसे ऐसा बैठे हैं तो आपका जो नी है उसके नीचे आप सपोर्ट दे सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आपको पीठ में पीड़ा होती है और आपको पीठ के अंदर आप नीचे से आपका जो पीठ का रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे आप एक ये डाल सकते हैं, कुशन डाल सकते हैं, और वो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट दे सकते हैं, तो आपका पीठ का जो दर्द है उसको आप ये कम कर सकते हैं। तो आप जब भी आप हर एक शरीर अलग रहता है तो कोई भी एक ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे आप पीड़ा मुक्त हो सके जब आप बैठे, तो आपको खुद को देखना है कि अलग अलग तरीके से बैठे बैठ के कि किस तरह से पीड़ा का आप अंत कर सकते हैं, तो आपको वही आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपका जब बैठेंगे तो जितना हो सके उतना आपको कंफर्टेबल रहेगा, आप आराम से बैठेंगे तब उस तरह से बैठना है। आपका जो पीठ है थोड़ी सीधी रहनी चाहिए, पर ऐसे बहुत सीधी नहीं, थोड़ा सीधा जैसे नॉर्मली होता है। जैसे आपका रीढ़ की हड्डी है, थोड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी रहती है, थोड़ी मुड़ी रहती है, तो आप ऐसा बैठने जाएंगे तो आपको दर्द होगा, मगर थोड़ा आराम से जो सीधा बैठना है उस तरह से सीधा बैठना है। आपका हाथ जो है आराम से आप अपने साथ रख सकते हैं, इस तरह से हाथ रख सकते हैं, या फिर आप घुटने पे इस तरह से हाथ रख सकते हैं, जैसे भी आपको आसान रहे। कभी कभी क्या होता है कि हाथ आपका जो कोई कुशन है या कुशन रख सकते हैं, कुशन पे आप हाथ रख सकते हैं। तो जिस तरह से आप चालू करते हैं, जब आप बैठना चालू करते हैं तो आपको आसन जो है वो आराम से बैठना है, आपको कहीं पीड़ा नहीं होनी। हम यहाँ मानसिक जो हमारी गतिविधियाँ हो रही है, जो मन में जो चल रहा है वो देखने आए हैं, हमारे शरीर से झगड़ा करने नहीं आए हैं। तो हमें अपने शरीर को आराम में रखना है,
तो पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जब चालू करते हैं तो आप आराम का जो पोजीशन लेना है, मगर बहुत आराम भी नहीं रहना चाहिए, इतना आराम भी नहीं रहना चाहिए कि आप सो जाए। तो बुद्ध का मार्ग जो है वो है मध्यम मार्ग, जो हर एक चीज के अंदर बैलेंस आपको लेके आना है। तो आपका आपको बैठना है तो आराम से बैठना है, मगर बहुत आराम से भी नहीं। जैसे अगर आप चेयर पर बैठे हो, चेयर के ऊपर आपने पीठ टिका दी तो आपको नींद आ सकती है। तो आपको चेयर का थोड़ा ऊपर साइड में बैठना है, जैसे यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा पीठ नहीं लगी है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा जो पीठ है वो कम्फर्टेबली स्ट्रेट है, इतना भी स्ट्रेट नहीं। ऐसा मैं अगर बैठता हूँ तो बहुत ही स्ट्रेट हो जाता है। ओके, तो ऐसा अगर मैं बैठता हूँ तो कम्फर्टेबली स्ट्रेट है। अगर आप चेयर पर बैठते हैं तो उतना ध्यान रखना है कि आपका जो पैर है वो जो घुटना है वो 90 डिग्री में आना चाहिए। ओके, ऐसे 90 डिग्री में आपका घुटना आना चाहिए अगर आप चेयर पर बैठते हैं तो। अगर आप उसके लिए अगर आपको पैर जो है ऐसा जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे कुशन रख सकते हैं तो आपका पैर जो है फिर से 90 डिग्री पे आए। अगर पैर ऐसा जा रहा है तो आप कुशन पे बैठ सकते हैं तो आपका पैर 90 डिग्री पे आए। तो आप चेयर पे कुशन रख सकते हैं या जमीन पे रख सकते हैं, आपका पैर कितना लंबा है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो उस तरह से आपको एडजस्ट करके बैठना है। तो फिर आप जब आप कंफर्टेबली बैठे हैं तो फिर क्या करेंगे, आप कोई वाक्य याद करेंगे कि आपके जब वहाँ पे खुशी आपको महसूस होगी। तो ये वाक्य जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि वो जब वृक्षों को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत खुशी का एहसास होता है। तो उन्होंने वृक्षों के बारे में सोचा मेडिटेशन चालू करने से, तो बहुत खुशी का एहसास हुआ। तो जो भी आपके मन के अंदर आपको खुशी महसूस होती है, कुछ मीन्स ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे के साथ खेलते हैं तो बहुत खुशी का एहसास होता है। जब आपने आपका कोई घर पे रहेगा, फैमिली में रहेगा, किसी का नया मीन्स बच्चा होता है, आप जाते हैं उसके साथ खेलने जाते हैं, तो उसके समय आपको क्या याद रहता है कि किस तरह से आपको खेले बच्चे के साथ में, तो किस तरह से मन के अंदर एकदम खुशी आती है, वो खुशी आप याद करते हैं। तो फिर आपको अपने आप को भेजते हैं कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आप अपने आप को भेजते हैं। फिर 10 मिनट के बाद में आप बोलते हैं कि कल्याण मित्र, तो आप ये करते हैं, एक ही कल्याण मित्र रहेगा, कल्याण मित्र को आप बदलेंगे नहीं जब तक हम ना कहें। हम आपसे रोज बात करेंगे, उससे हमें पता चलेगा, तब ही हम बोलेंगे आपको कल्याण मित्र बदलना है या नहीं। तो फिर आप अपने कल्याण मित्र को अपने हृदय में रखते हैं और उसको मित्रता देखना चालू करते हैं। बोलते हैं जैसे मैं खुश हूँ मेरा मित्र भी खुश रहे। और आपको जो ये इंस्ट्रक्शन का ये दिया गया है, ये जो है टूल किट दिया गया है, इसको पूरी तरह से पढ़ना नहीं है। ओके, इसमें आगे का भी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसके अंदर जो पहला है आराम करने वाले के लिए साधना, तो वो जो आपको जो दिया गया है उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, वो बेसिक इंस्ट्रक्शन को ही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 16 पेज दिया गया तो 16 पेज का आपको अभी पढ़ना है। दूसरा बात है, आपको कोई भी दूसरा साहित्य नहीं पढ़ना है। अगर आपने कोई बुक लेके आया है, मैगजीन लेके आया है या कोई नॉवल लेके आया है, तो उसे आप इस 10 दिनों में नहीं पढ़ेंगे। या अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप एग्जाम का कुछ पढ़ाई करने लेके आए, तो उस तरह से नहीं कीजिए, उसको आप साइड पे रखना है। आपका जो मन है वो इधर उधर उसको और चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वो पहले ही आपको तंग करेगा। आप कुछ ना देखते हुए भी आपको पहले दिन में आपको पता चलेगा आपका मन आपको किस तरह से तंग कर रहा है। तो उसके अंदर से और जो है चीज़ें नहीं देनी है। तो कोई भी साहित्य नहीं पढ़ना है, कोई भी क्या मैगजीन है, बुक है, और कोई अगर सब जो धम्मा का भी कोई बुक है उसे भी नहीं पढ़ना है। तो ये 10 दिन के अंदर ये ध्यान रखना है। तो बातें नहीं करनी है। तो आप अगर जब किसी से बात करते हैं तो दो चीज होती है, पहले आपका मन जो है विचलित होता है, कोई अलग अलग ख्याल आते हैं, और सामने वाला का भी मन विचलित होता है, उसको भी अलग अलग ख्याल आते हैं। तो उस हिसाब से आपको बातें नहीं करना है, आपको मौन रखना है। अगर आप मौन रखेंगे तो दूसरों का भी मौन रखने का मन रहेगा, वो भी मौन रखेंगे और सारे सब लोगों का फायदा होगा। तो पहला बात आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो करना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़
जो हम बता रहे हैं मेडिटेशन के अंदर उसमें आपको कोई चीज जोड़नी नहीं है या कोई उसकी उसके अंदर से कोई चीज निकालनी नहीं है। सो अगर हम कहते हैं कि आपको मुस्कुराना है जब बैठते हैं तो आपको मुस्कुराना है, मुस्कुराना जो है आपको एक इंस्ट्रक्शन है, एक सजेशन नहीं है। सजेशन का मतलब क्या होता है, एक सुझाव नहीं है, ये आपको दिया गया इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो जब भी आप बैठते हैं तब आपको मुस्कुराना है, जब भी आप आपका सेशन खत्म होता है, आप उठते हैं, वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं तो आपको मुस्कुराना है, आप खाना खाते हैं, घर का मीन्स आप जो यहाँ पे रूम है उसको साफ करते हैं, आपको मुस्कुराना है। तो मुस्कुराना सारे 10 दिन आपको है। मुस्कुराना क्यों है, क्योंकि मुस्कुराना जो है हमारे मन को हल्का करता है, और हम हमारे जितना मन हल्का रहेगा उतना हम अपने आप को जो मेहता जो भेज सकते हैं वो अच्छी तरह से भेज सकते हैं, जो आपके कल्याण मित्र को मैं भेज सकते हैं वो अच्छी तरह से भेज सकते हैं। आपका मन के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो क्लैरिटी है जो वो आपका अच्छा रहेगा, तो आपके मन के अंदर क्या हो रहा है अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो मुस्कुराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सुत्ता के अंदर भी बताया गया है किस तरह से आपको आपका जो मेडिटेशन के अंदर प्रॉब्लम आता है तो किस तरह से आपको उसके अंदर आपको डील करना है, वो हम आपको कल से हम सुत्ता पढ़ के बुद्ध के वचन पढ़ के आपको हम सुनाएंगे कि उन्होंने क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। सो पहला दिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपका जो नॉर्मल रूटीन था उससे आप अलग रूटीन करने आए हैं। सो आपके जो भी आदत है जो पहले से चल रही है उस आदत में अभी रोक होगी। जब आपका आदत में रोक होगी तो मन आपसे थोड़ा अलग होगा। सो आप अगर एक चीज करना चाहते हो तो आपको पता चलेगा मन कोई दूसरी चीज करना चाहता है। अगर आपको मित्रता भावना भेजनी है आपके कल्याण मित्र को तो मन को शायद ऑफिस के बारे में सोचना है, शायद घर के बारे में सोचना है, शायद आपको ये फिक्र आ जाएगी कि अरे मैंने गैस छोड़ा तो नहीं था, मैंने वो कबाट बंद तो नहीं किया था, तो ये सारी चिंताएं अभी आपको आना चालू हो जाएगी। तो उसे आपको समझना है कि किस तरह से ये मन काम कर रहा है, उस चिंताओं से भी झगड़ा नहीं करना है। अगर आपको पहचानते हैं वो ऐसी चिंता आएगी उसे छोड़ देना है, छोड़ देने का मतलब है उसको दबाना नहीं है, उसको हटाना नहीं है, उससे झगड़ा करना नहीं है, उसको जहां है वहीं पे रहने देना है। फिर आप यहाँ पे लाते हैं अपना मन को, यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, उसके बाद में मुस्कुराते हैं फिर से, क्योंकि आपका मन भटकता है तो आपका क्या है, आपका ध्यान भटक गया, आपका ध्यान भटक गया तो क्या है, आप जो मुस्कुरा रहे थे आप मुस्कुराना बंद करते हैं तो आप फिर से मुस्कुराते हैं, फिर से मुस्कुराने के बाद फिर से आपके कल्याण मित्र पे आते हैं और बोलते हैं कि मेरा कल्याण मित्र सुखी है। उस तरह से आप ये करते रहते हैं, क्योंकि मन का जो ये कार्य है वो बार बार आप करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। तो जो भी आप जब आप अपने कल्याण मित्र को मित्रता भेज रहे हैं तो आजू बाजू कितने कुछ ख्याल आपको सताते रहेंगे, वो कैसे ख्याल है, जैसे आपका जो यहाँ पे क्या हो रहा है, या कितना गर्मी है, या कितना बारिश हो रहा है, या बारिश का कितना आवाज आ रहा है, ऐसा जो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे आगे पीछे आपका विचार होते रहे, हर विचार से आपको झगड़ा नहीं करना। अगर आपको पता है कि आप कल्याण मित्र को मित्रता भेज रहे हैं और तो आपको उतने पे आपको ध्यान रखना है, आपका जो ध्यान है आपका जो ध्यान का केंद्र है आपका कल्याण मित्र रहेगा। आजू बाजू कुछ सोच आती है तो हर सोच से आपको झगड़ा नहीं करना है। जैसे मैं समझो ये यहाँ पे स्टैंड है, उस स्टैंड को मित्रता भेज रहा हूँ, अभी मेरा वहाँ पे स्टैंड है तो मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं मैं उसको देख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं मैं उसको देख सकता हूँ, मगर मेरा जो केंद्र है ये स्टैंड है। जब समझो मेरा ध्यान जो है पूरी तरह से हट जाता है, समझो गणपति जी के पास आ जाता है, तो फिर मुझे पता चलता है कि अभी मैं यहाँ पे ध्यान नहीं है मेरा, तो फिर क्या कहता हूँ, मैं पहचानता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ और मुस्कुराता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, फिर यहाँ पे रिलैक्स करता हूँ, मुस्कुराता हूँ, फिर से कल्याण मित्र के पास आता हूँ। तो उस तरह से जब आपका मन पूरी तरह से भटकता है तभी आपको ये हम जो सही प्रयास बोलते हैं, राइट एफर्ट, या हम 6 R बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर ये सारे R में आते हैं, जिसको रिकॉग्नाइज कहते हैं, रिलीज कहते हैं, रिलैक्स, रीस्माइल, रिटर्न एंड रिपीट व्हेन नीडेड।
सो उस तरह से हम आर आर करके छः आर रखते हैं, इसलिए सिक्स आर का हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमारा बर्थडे अमेरिका से है और वो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनका जो याद रखने का जो तरीका था वो अंग्रेजी में था। इस हिसाब से ये सही प्रयास के तौर पे शुद्ध के अंदर या बुद्ध के वचनों के अंदर ये सही प्रयास के हिसाब से आता है। इसके अंदर चार अंग में बताया जाता है और यही चीज़ जो आपका है हम हमने इसे थोड़ा जो भाषा के अंदर परिवर्तन किया है जैसे आपको समझ में आए। तो आपको पहचानना अगर आपका मन भटक जाता है, फिर आपको उसे रिहा करना, रिलैक्स करना, स्माइल करना और फिर से वापस, तो वो आपका कार्य जो है आपको करते रहना चाहिए। अगर वो कार्य आप करते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मेरा मन भटकने से पहले क्या हुआ। जब आपको ये पता चलेगा कि मेरा मन भटकने से पहले क्या हुआ, तो आप जगह पे आपका जो है रिलैक्स करके आप वहां पे छोड़ के स्माइल करके वापस अपने कल्याण मित्र पे आ सकते हैं। तो उस आपको पता चलेगा कि आपका मन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। ओके, और इस जो जाने का प्रक्रिया है उसे 12 खंडों में समझाया गया है। ओरिजिन पटिचा समुपादा या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं, तो उसका भी आपको बड़ा ज्ञान हम देंगे। जैसे जैसे बुद्ध के वचन के हिसाब से जो बुद्ध ने कहा है उसके हिसाब से आपको ज्ञान हम देंगे उसका भी। मगर आपको वो समझना जरूरी है जो जो आप कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस कार्य से दो चीज़ होता है। एक होता है कि आपका मन के अंदर मित्रता की भावना बढ़ती है, तो कोई भी मन के अंदर आपका मित्रता की भावना, प्रेम की भावना, किसी और के सुख की भावना ऐसा अगर होता है तो आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसके बहुत सारे फायदे भी बताए गए हैं, उसके बारे में हम बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे उसके जो पॉइंट है। तो वो चीज़ जो है आपको कभी हानि पहुंचा नहीं सकती। तो कितना भी आप मेहनत का आप प्रैक्टिस करें आपको कोई तरह से आपको हानि नहीं होगी उससे। और दूसरा क्या है कि आपका मन का कार्य किस तरह का हो रहा है, आपका मन जो है एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जा रहा है, आपका मन जो है किस तरह से पहले तो इम्परमानेंट है, मीन्स अनित्य है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ ना होते हुए वो आती है, आते हुए वो रहते हुए फिर वो चली जाती है। तो वो पहली चीज़ आप समझते हैं। फिर आप समझते हैं कि जो भी चीज़ है उससे आप झगड़ा करते हैं तब आप उसको दुख पैदा करते हैं। आप जो है जब दुख तब पैदा करते हैं जो चीज़ है वो ना रहे आपको ऐसा मन हो। जैसे विचार आता है तो विचार से आप झगड़ा करते हैं, ये विचार क्यों आया है, अभी क्यों आते रहता है ये विचार। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अभी जो विचार है वो सत्य है, उस सत्य को मान नहीं रहे, उस सत्य से आप झगड़ा करें। जब वो सत्य से झगड़ा करेंगे तो आप क्या करेंगे, दुख पैदा करेंगे। तो सत्य से जो झगड़ा करता है वो दुख पैदा करता है। दूसरा चीज़ है कि अव्यक्तिगत है ये चीज़ है, मीन्स ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं, ये विचार जो है मैंने बुलाया नहीं है और मेरे बुलाने से वो विचार नहीं आए और मेरे कहने से वो विचार गए नहीं। लाइन है यार एक बार जिसे, अच्छा, तो जो विचार का बात हमने कह रहे हैं अभी, तो विचार के अंदर किस तरह से है कि विचारों का कोई भी आपका मन के अंदर जो विचार आता है तो आपको क्या लगता है कि ये मेरा विचार है। तो पहला आपको इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि किस तरह से मन जो है के अंदर विचार आते हैं और आप तो विचार रहते हैं और अपने आप चले जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं कि अगर समझो आप सुबह उठे और आपका आपको गुस्सा आ रहा था या आपका जो मन जो है आप के अंदर गुस्सा था और उस दिन आपने जब उठे आपने किसी ने आपको गुड मॉर्निंग कहा तो आपने कहा कि इसका क्या मतलब होता है, आज क्या अच्छा है दिन के अंदर। तो अगर आपका ऐसा मूड था, चिड़चिड़ा मूड था, तो आपने कहा था क्या कि मैं बहुत दिनों से चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ, अभी मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा तो मेरा वो जो मेरा चेकलिस्ट है वो पूरा होगा। ऐसा तो कोई कहता नहीं ना, अपने आप से कोई कहता नहीं कि मेरा जो मन है चिड़चिड़ा हो जाए, वो अपने आप ही आपको पता चलता है कि मैं चिड़चिड़ा हूँ अभी। तो किस तरह से ये जो चीजें हैं आपके
कहे बगैर आती है, रहती है और चली जाती है, तो अव्यक्तिगत है, तो उसे आपको समझना है। और जो चीजें हैं वो आप किस तरह से चिपकाव कोई भी चीज के ऊपर आप करते हैं उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये कॉलेज में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको सोशल साइंसेस का एक्सपेरिमेंट था। उसके अंदर लोगों को कहा गया कि आप जो है एक 5 मिनट का टेस्ट लीजिए, यहाँ पे एक मग रखा है और एक चॉकलेट है, मग भी $5 का है और चॉकलेट भी $5 का है, जो चाहे आप ले सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से करने के बाद में उन्होंने देखा कि जो 50% लोग थे, जो 50% लोग थे, 50% उन लोगों ने मग लिया और बाकी लोगों ने जो बचे हुए थे 50 उन लोगों ने चॉकलेट लिया। तो उनको पता चला कि चॉकलेट और मग दोनों बराबर बराबर लोग चाहते हैं। तो फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और दूसरे कॉलेज स्टूडेंट को बुलाया और उनको पहले से चॉकलेट ऐसा थमा दी कि ये चॉकलेट यहाँ पे बैठो और आपको 5 मिनट का एग्जाम देना है और ये आपका इनाम है 5 मिनट का एग्जाम का, तो आप ये आप टेस्ट दे दो। तो वो लोगों ने बैठे 5 मिनट का टेस्ट दिया और बोले कि अभी आप जाने से पहले यहाँ पे एक मग भरा है, ओके, ये मग जो है आप $5 का है, ये चॉकलेट जो है आपका आपको जो दिया गया है वो भी $5 का है, जिसको चॉकलेट नहीं चाहिए चॉकलेट रख दो और मग लेके जाओ, यहाँ पे सारा मग पड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि 80% लोगों ने चॉकलेट जो है रख ली और उसको बदला नहीं, 80% लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चॉकलेट जो है लेके गए अपने साथ। फिर उन्होंने बोला कि शायद हमने पहले तो चेक किया था कि आधे लोगों को चॉकलेट पसंद है आधे लोगों को मग है, और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया और स्टूडेंटों को बुलाया और उनको पहले मग दे दिया, बोला कि ये मग रखो अपने पास में और आप एग्जाम 5 मिनट देना है और 5 मिनट के बाद में आपको हम आपको जान देंगे। तो 5 मिनट होने के बाद में उन्होंने बोला कि ये जो आपको सबको एक मग दिया गया है, अभी हमारे पास ये चॉकलेट भी है, मग $5 का है और चॉकलेट भी $5 का है, तो अगर जिसको चाहिए उसको आपका मग रख लो और चॉकलेट लेके जाओ। तो उन्होंने देखा कि 80% लोगों ने जो है अपने मग रखे और चॉकलेट को साथ में एक्सचेंज नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से आपको जो चीज आपके पास जो है एक मग हो या चॉकलेट हो 5 मिनट तक रह जाती है, तो उसके साथ में आप चिपकाव पैदा कर लेते हैं। तो कोई भी चीज जो है आप उसके पास में आप चिपकाव पैदा कर लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपके बाजू में 5 मिनट तक पड़ी हुई है। तो वो जो लोग थे जो जिसने एग्जाम लिया वो चॉकलेट जब उनको दिया तो चॉकलेट उन्होंने रख लिया, अगर उनको मग दिया तो उन्होंने मग रख लिया, मगर पहले जब उनको बाद में चॉकलेट या मग का आपको पहली बार दिया था चॉइस, तो उन लोगों ने चॉकलेट और मग बराबर तरीके से उन्होंने चुना, आधे लोगों ने मग लिया आधे लोगों ने चॉकलेट लिया, मगर बाद में उनको चॉइस दिया तो उन लोगों ने अपना मग छोड़ा नहीं। क्यों छोड़ा नहीं, क्योंकि उसके प्रति उन्होंने चिपकाव पैदा हो गया, अपना बना गया उस मग के ऊपर या चॉकलेट के ऊपर। तो जब आपके मन के अंदर कोई विचार आता है तो कितना आपको लगता है कि ये अपना है, तो कितना चिपकाव रहता है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है कि जो भी विचार तो नहीं था अब ये वो आया है वो कैसे मेरा विचार हो जाता है, एक विचार है और वो एक विचार को आप मेरा विचार बना देते हैं, तो किस तरह से विचारों का आना होता है, किस तरह विचारों का ठहरना होता है, किस तरह विचारों का जाना होता है, वो आपको समझ में आएगा आपको। मगर आपका जो सारा समय है आपका कल्याण मित्र पे देना है, तो सब जो आप तो आप बैठे आधा घंटा हुआ, कुछ लोग 1 घंटा तक बैठ सकते हैं तो 1 घंटा बैठे, कुछ लोग 1.5 घंटा बैठ सकते हैं तो 1.5 घंटा बैठे। आपको कभी भी मेडिटेशन से उठने से पहले पूछना है अपने आप को कि मैं क्यों उठ रहा हूँ, अभी मैं क्यों उठ रहा हूँ। अगर आपका मन में ऐसा लगता है कि अभी मुझे लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको अपने आप को बोलना है कि शायद मैं अगर थोड़ी देर बैठूंगा तो कुछ होगा, तो आप बैठे रहेंगे। कोई कोई कारण है, जैसे बहुत दर्द हो रहा है आपके पैर में, तो फिर आप उठ सकते हैं, तो फिर आप
आप उठने के बाद पहले दर्द को क्या देखना है कि ये उठने के बाद कितने जल्दी ये दर्द चले गया। जैसे आप उठे, मेडिटेशन अपना वॉकिंग मेडिटेशन चालू किया तो आपका दर्द तुरंत चले जाता है, तो आपको समझना है कि ये मेडिटेशन पेन है। तो अगली टाइम अगर आप बैठे और वही दर्द आए तो आपको उठना नहीं है दर्द के हिसाब से, तो उस दर्द को आपको जहां है वहां पर रहना है, उससे झगड़ा नहीं करना है, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना। आप किसके ऊपर ध्यान देते हर समय? अपने कल्याण मित्र पे। तो जैसे आप उठते हैं, आपका मेडिटेशन आपने किया सिर्फ आधा घंटा किया, एक घंटा किया, आप उठे और उठने के बाद आप वॉकिंग मेडिटेशन चालू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा जगह है, अगर समझो कभी कभी यहाँ पे पर्यटक आते हैं तो उनके साथ में बातें नहीं करनी है, क्या हो रहा है अगर कुछ पूछे तो आपको सिर्फ हाथों से बोल देना है कि हम मौन रखे या हम लोग भावना कर रहे हैं, इस तरह से आपको उनको बताना है। और आपका वॉकिंग चलते रहना चाहिए। वॉकिंग किस तरह से होना चाहिए? आपको स्लो नहीं करना है, आपको जैसे आप नॉर्मली आप घर पे या आपका वहां पे चलते हैं बाहर, उस तरह से चलना है। वॉकिंग हम किस लिए करते हैं कि आपका रक्त का जो है संचार हो आपके शरीर में, उसके लिए हम वॉकिंग करते हैं। तो आपको वॉकिंग आपको जिस तरह आप नॉर्मल करते हैं उस तरह करना है, 15 मिनट मिनिमम करना है। समझो आप 1 घंटा बैठते हैं तो फिर आप 20 मिनट तक आप वॉकिंग कर सकते हैं। समझो आप 2 घंटा बैठते हैं तो आधा घंटे तक वॉकिंग कीजिए। मगर अगर आपका आप ज्यादा बैठते हैं तो भी आप 45 मिनट से ज्यादा वॉकिंग नहीं करेंगे, फिर शरीर थक जाता है। तो मैक्सिमम वॉकिंग जो करना है वो 45 मिनट से, मैक्सिमम आप कितना भी बैठ सकते हैं। सो कुछ जो साधक है जो पहले बार ही आते हैं मेडिटेशन रिट्रीट में, वो लोग 3 घंटे बैठते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, 5 घंटे भी बैठते हैं और उससे ज्यादा भी बैठते हैं। जो अभ्यास ज्यादा किया है वो लोग 6 घंटा भी बैठते हैं, 12 घंटा भी बैठते हैं। तो जिस तरह से आपका अभ्यास है, जिस तरह से आपका मन का झुकाव है, उस तरह से आप बैठ सकते हैं। तो जितना आप ज्यादा बैठ सके उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही आप ज्यादा आपके मन का कार्य को देख सकेंगे। तो जितना हो सके आप उतना आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा बैठेंगे। और आपको देखना है कि आप जब ये कोई भी आप कार्य करें, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं तो आप स्माइलिंग करते रहिए और आपके कल्याण मित्र को भी वहां पे मुद्दा भेजते रहना चाहिए, मेरा कल्याण मित्र सुखी रहे। और ये जो वाक्य यहाँ पे भी कुछ वाक्य और दिए गए हैं, वो वाक्यों का जो इस्तेमाल है वो मंत्र की तरह नहीं करना है, वो एक याद की तरह करना है। सब जो आप में मेहता भेज रहे हैं, आपका मेहता थोड़ा कमजोर हुआ आपको ऐसा लगा, तो आप फिर से याद करने के लिए कहते हैं मेरा मित्र सुखी रहे। आप बार बार ये मंत्र की तरह जाप नहीं करते हैं, ये मंत्र जाप नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि मेरा जो मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, कि मेरा मित्र सुखी रहे, उसको याद करने के लिए वो आप ये आप एक बार बोल देंगे। फिर आपके मन के जो यहाँ पे हृदय है, हृदय के वहां पे जो मेहता की भावना आप महसूस करते हैं उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। और वो जो मेहता है आप इस तरह से विचार कर सकते हैं कि वो आपके कल्याण मित्र को जा रहे हैं, या फिर आप कल्याण मित्र को यहाँ पे ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा दृश्य देख सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा, सब लोग ऐसा दृश्य नहीं देख सकते, आंख बंद करके अगर आप कोई दृश्य देखना चाहे, और कुछ लोगों को वो दृश्य दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं दिखेगा। मगर आप कह सकते हैं कि मेरा मित्र जो है, ये जो मैंने मेहता है वो मेरे मित्र को जा रहा है, उस तरह से आपको सिर्फ इसका विचार करना है। और आपका जो ध्यान है वो सिर्फ यहाँ पे रहेगा, आपका आजू बाजू में जो भी आपके विचार आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हर एक विचार से झगड़ा नहीं करना है। मगर आपका विचार पूरी तरह से भटक गया, समझो मेरा विचार यहाँ पे है अभी, तो यहाँ पे मैं पहचान पाऊँ कि अभी मेरा विचार यहाँ पे नहीं है, उसको फिर रिहा करता हूँ, मेरा जो ध्यान है वहां से यहाँ पे मेरा ध्यान लेके आता हूँ, यहाँ पे रिलैक्स करता हूँ, स्माइल करता हूँ और फिर से कल्याण मित्र को भेजना चालू करता हूँ। तो ये आपका जो कार्य है वो करते रहना चाहिए। और जो लोगों ने पहले ये ध्यान किया है, ओके, और इसका प्रैक्टिस किया है, और वो लोग दिशाओं में भेजते हैं, कुछ लोगों को हम कहते हैं कि आप दिशाओं में भेजो, तो यहाँ पे वो दिशाओं में ही भेजेंगे आपने जो पहले किया है। तो जो पहले आपने नहीं किया है ध्यान, तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को फॉलो करना है, और फिर क्रम के हिसाब से आपको आगे का इंस्ट्रक्शन हम
देते रहेंगे। इसी हिसाब से हम 12 तारीख से आपसे रोज बात करेंगे। तो जब हम बात करेंगे आपसे तो एक प्रोसेस रहना चाहिए किस तरह से आपका हमारा जो है इंटरव्यू होगा। उसके लिए हम एक लिस्ट जारी करेंगे। वो इंटरव्यू का जो लिस्ट है वो लिस्ट जो है हम बाहर रखेंगे और हर एक का समय हम देंगे। 9 बजे चालू होगा और 11:10 तक ये जो है खत्म हो जाना चाहिए हमारा, जिस पर कितने लोग हैं उसके हिसाब से। तो अभी है ना, कल हम आपको सबको एक टैग देंगे, आपका नाम का टैग देंगे और टैग के ऊपर एक नंबर आ जाएगा। ओके, अभी आपके टैग है तो नंबर इस तरह से आएगा A1, A2, A3। तो 9 बजे जो है ये तीन जन A1, A2, A3 आ जाएंगे, वो वहां पे बैठेंगे, वहां पे तीन चेयर रहेगा। तो पहले हम इंटरव्यू चालू करेंगे, जैसे हम लोग इंटरव्यू चालू करते हैं, जैसे हमारे बंदे जी है तो वो बंदे जी को हम पहले इंटरव्यू देंगे, फिर A2 वो जब जाएंगे तब A2 आएंगे, फिर B2 आएगा। तो अगर समझो आपका जो है B2 है तो आप C2 को आप बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू हो गया, B2 है, आप जाके C2 को बोलेंगे आपको इंटरव्यू है, आप जाइए। तो वो हो जाने के बाद में जो आपका जो B1 आएगा इंटरव्यू के लिए, B1 का इंटरव्यू हो गया तो वो किसको बुलाएगा, C1। तो जो भी आपका जो ए है तो बी को बुलाएगा, बी है तो सी को बुलाएगा, सी है तो बी को बुलाएगा, और उस तरह से तीन नंबर रहेगा A1, A2, A3। तो अगर ए है आपका 1 तो B1 को बुलाएंगे, A2 है तो B2 को, उस तरह से B2 है तो C2 को, उसको चालू रहना चाहिए। और हम दो व्यक्ति को क्यों रखते हैं कि हमारा जो इंटरव्यू का प्रोसेस है कंटिन्यूस चलना चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। तो पहले क्या होगा, लिस्ट होगा, लिस्ट के अंदर आपका नाम रहेगा और आपका समय रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेटली कौन से समय में आपका इंटरव्यू है। अगर किसी ने नहीं बुलाया, किसी भूल गया, आपको लगा कि ये समय हो गया है, तो आपको आके चेक करना है। आगे जाके अगर समझो ऐसा हुआ कि आपको ज़्यादा बैठना है तो आप बैठ सकते हैं और लास्ट में आ सकते हैं। जो आपका मेडिटेशन अच्छी तरह से जा रहा है, किसी तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन के बाद में ऐसा हो सकता है कि आप बैठे हुए हैं मेडिटेशन में और कोई बुलाता है आपको, तो आपको किस तरह से बुलाना है। अगर आप गए तो समझो कोई वहाँ पे बैठा है तो उसको ऐसे टैप कर सकते हैं या हाथ रख सकते हैं। अगर पुरुष है तो सिर्फ पुरुष ही हाथ रखता है दूसरे के ऊपर, तो उस तरह से आप यहाँ पे हाथ रखना है। अगर उनको पता चलता है कि वो जो मेडिटेशन है उनको पता चल जाना चाहिए कि किसी ने हाथ रखा, अगर वो उठते नहीं है तो फिर आपको चले जाना है। फिर अगर आपका मेडिटेशन अच्छा है, आपको कोई हाथ रखता है यहाँ पे और आपको उठना नहीं है, आपका मेडिटेशन अच्छा चल रहा है, तो आप जारी रखेंगे और फिर लास्ट में आ जाएंगे। तो आपका जो यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट के अंदर समय दिया गया है, समय के हिसाब से आप लास्ट आ जाएंगे। तो वो समझो पांचवें दिन, छठे दिन के बाद ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान बराबर से लग रहा है, आप लंबा बैठ रहे हैं, तो उस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इंटरव्यू का लिस्ट के अंदर आपका नाम कहाँ पे है और आपका नंबर क्या है और समय क्या है, आपको इतना ख्याल रखना है, उससे उसके हिसाब से आप ये जो इंटरव्यू प्रोसेस किया जाए। कोई सवाल है इंटरव्यू के प्रोसेस के हिसाब से? सवाल पूछेंगे, तो ये 5 सवाल क्या है, ये अच्छा सवाल आपने पूछा। तो पहला सवाल है कि आपका जो मेडिटेशन का ध्येय क्या है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका अभी नए हैं तो सबका क्या रहेगा, कल्याण मित्र रहेगा, आपको कहना है कि कल्याण मित्र है। मगर समझो कोई पुराना यहाँ पे है साधक, तो वो उस तरह से आपको वो बताएगा कि मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ या मैं इस तरह से मैं कर रहा हूँ मेडिटेशन। तो अगर पुराना साधक है तो उस तरह से आपको ये मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है वो बताना है। पहला वो सवाल कि आपका ध्येय क्या है, आप किस तरह से, आपको बोला गया है कि 6 घंटा मिनिमम बैठना है, हाँ तो 6 घंटा आप एक साथ तो नहीं बैठेंगे, तो
तो सब लोग आपने एक बार आधा घंटा बैठा, एक बार एक घंटा बैठा, एक बार 45 मिनट्स बैठा, तो आपको सबसे अच्छा जो सेटिंग है उसके अंदर से आपको लगता है सबसे अच्छा सेटिंग क्या है, तो एक घंटे का है तो आपको एक घंटे का बताता है। ओके, तो हम पूछेंगे कि दिन का सबसे अच्छा सेटिंग क्या है, कितना समय आप बैठे। समझो आप पांच बार बैठे और उसमें से एक बार आप डेढ़ घंटा बैठे, तो वो जो डेढ़ घंटा है वो आपको बताना है कि हमने डेढ़ घंटा बैठा। और अभी वो सेटिंग जब आपका डेढ़ घंटा जब बैठे थे तो उसके अंदर आपका मन भटकना कितना समय के बाद हुआ, आपको 6 आर या सही प्रयास कब करना पड़ा, तो आपको समझो अंदाज ऐसे सेकंड पर बताना है कि 5 सेकंड जैसा लगा मुझे। तो ये सारे जो जो यहाँ अभी ये टाइम है ये आपका अंदाज है, ये आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है कि कितना समय में मेरा मन भटक रहा है, उस तरह मेडिटेशन करते वक्त बाद में आप सोच के बता सकते हैं कि मुझे लगा कि ये 2 मिनट तक ऐसा मुझे लगा, या आपको बोल सकते हैं कि मुझे ये आधा मिनट तक लगा, कि मैं 30 मिनट तक ही मेरा ध्यान रहा, फिर मुझे फिर से मुझे 6 आर करना पड़ा, मीन्स मुझे पहचान के उसको रहने देके रिलैक्स करके स्माइल करके फिर से वापस आना, ऐसा मेरा मन चंचल था। चंचल मन है तो आपका मेडिटेशन खराब है ऐसा नहीं है, आपका मन चंचल हो सकता है मगर आप हर बार आपका मन भटकता है तो आप जब पहचानते हैं तब उसको रिहा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं, वापस आते हैं, तो आपका जो मेडिटेशन है अच्छा जा रहा है। मगर आप पहचानते हैं कि आपका मन भटक गया और उसी सोच के साथ चले जाते हैं तब आप मेडिटेशन करना बंद कर दिया। तो एक ही समय आप मेडिटेशन करना बंद कर गए जब आपका पहचानते हैं आपका मन भटक गया मगर उसी विचार के साथ में आप कंटिन्यू करते हैं तब आपका मेडिटेशन आपने करना बंद कर दिया। मगर जब तक आप अपना ध्यान वापस लेके आ रहे हैं, किस तरह लेके आ रहे हैं, आप पहचानते हैं, रिहा करते हैं आपके जो भी मन के अंदर विचार आया उसको आप शीतल करते हैं, स्माइल करते हैं और वापस अपने कल्याण मंत्र पे आते हैं, तब तक आपका मेडिटेशन चल रहा है। अगर आप एक सिटिंग में 50 बार भी ऐसा हुआ तो भी आपका मेडिटेशन अच्छा जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मन चंचल है तो अच्छा है या बुरा है, या आपका मन शांत है तो अच्छा है या बुरा है। जब तक आपका कार्य चलते रहता है तब तक वो अच्छा है। तो हम पूछते हैं कितना समय आपका हुआ, किस बारे में पूछते हैं, जो बेस्ट सेटिंग है। तो आप 5 मिनट समय बैठे, अलग अलग समय बैठे, एक समय आपने सबसे ज्यादा बैठा 1 घंटा, वो 1 घंटे के बारे में आप पूछेंगे, तो 1 घंटा आप बैठे, तब 1 घंटा जब बैठे थे आपका मन समझो 30 सेकंड तक आपके कार्य पे रहा, मेत्ता भेजने पे रहा, उसके बाद वो चले जाता है, वो आपने पहचानते थे, उसे रिहा करते थे, रिलैक्स करते थे, स्माइल करते वापस आते। तो ये अपना 3 सवाल हो गया। फिर आपको पूछते हैं हम, आपने शब्दों में बताइए जब आपका मन भटक गया आपने क्या किया, अपने शब्दों में 6 आर या सही प्रयास आप नहीं कह सकते, अब मैंने ये किया 6 आर किया ऐसा नहीं कर सकते, या मैंने ये सही प्रयास ऐसा नहीं, आपके मन आपके आपके शब्दों में आपको बताना है किस तरह से आपने ये किया। और 5वां सवाल है, आपने मेडिटेशन में कुछ अलग हुआ क्या, कुछ ऐसा अनुभूति हुई जो आपको ऐसा लगा, जैसे कभी कभी मेहता की भावना यहाँ पे है, सिर पे जा रही है, या आपको मेहता की भावना ज़्यादा है या मेहता कम लग रही है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आप हमसे बात करना चाहिए, आपको हमको बताना चाहिए, तो वो वैसे बात। तो 5 चीज़ें, पहला चीज़ है आप किसको क्या कर रहे हैं, कार्य कर क्या कर रहे हैं, आपका ध्येय क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है। दूसरा है आपका जो बेस्ट सेटिंग है, पूरा दिन के अंदर आप सबसे अच्छा कब बैठे हैं, ओके, वो उसके बारे में। आप 4 बार 4 बार बैठे होंगे मगर आपका एक बार सबसे अच्छा रहेगा 4 बार में से, वो उसके बारे में। और उस जब बैठे आपका मन कितना समय तक टिकता था आपके कल्याण मंत्र पे, आधा सेकंड टिकता था, आधा मिनट टिकता था, या 1 मिनट टिकता था, या 2 मिनट टिकता था, जो भी रहेगा आपको बताना है। फिर अपने शब्दों में बताना है आपका मन भटकता था तो आप क्या करते थे। और लास्ट सवाल क्या है, अगर कोई मेडिटेशन कुछ नया होता है तो आपको हमें बताना है। तो इस 5 चीज़ों को हम आपको सवाल पूछेंगे जब मेडिटेशन के अंदर सॉरी इंटरव्यू के अंदर आपको हम बुलाते हैं। और इसके अलावा आपको ज़्यादा बातें नहीं करना, क्योंकि हमें सब लोगों से बात करनी है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या पूछने वाले हैं। यहाँ पे आपको इतना ही पे बताया गया है पांच सवाल, मैंने ये देखा नहीं, यहाँ पे पांच सवाल दिए गए ना, टूल किट में दिया गया ना। तो यहाँ पे भी रहेंगे टूल किट में पांच सवाल, तो वो पांच सवाल का पर आपको ध्यान देना है। तो कौन सा आपका मेडिटेशन का है, ज्यादातर लोग अभी पहले चालू किया है, पहले किसने किया था मेडिटेशन, आप बताइए हाथ उठाइए। ट्विन मेडिटेशन आपने किया है, तो और कोई आपने, आपने किया है, आपने भी किया है, तो आपने भी किया है। तो अभी जो है अगर आप पहले अगर कभी दिशाओं में करने के लिए हमको कहते थे हाँ, तो आप फिर से दिशाओं में कर रहे हैं, ओके। अभी आपको कल्याण मित्र नहीं लेना है, ओके। अगर आपको दिशाओं में भेजने के लिए कहा जाता था पहले, तब आपको दिशाओं में भेजना है, डायरेक्शंस जो है उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। अभी का जो नया है वही आप कल्याण मित्र हैं, ओके। अब आप दिशाओं भेजते थे पहले, जब पहले आप आए थे तब आप दिशाओं में, तो पांच मिनट एक दिशा में, पांच मिनट से चालू करेंगे, फिर सब दिशाओं में भेजेंगे। तो उस तरह से जो पुराने हैं वो अपना मेडिटेशन जारी रखना है। और आपका जो सेकेंड सवाल है वो है कितना सबसे अच्छा बैठे, तीसरा सवाल है कितना मिनट आप या कितना सेकेंड आप अपने कल्याण मित्र पे रहा या जो भी आपका मेडिटेशन था, और आपने शब्दों में बताइए कि आपने क्या किया आपका मन भटकने पर, और पांचवा अगर कुछ नया होता है तो हमें बताएं। ये पांच सवाल हम आपको पूछे थे। तो हमने सिटिंग के बारे में बताया, सिटिंग के लिए आपको जमीन में बैठने के अंदर कोई फायदा नहीं है, या आप कुर्सी में बैठते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा बैठना है, ओके। तो अगर आपको कोई भी तरह का शारीरिक कष्ट होता है उसे आपको जो है आपको अवॉइड करना है, उसे उसके आपने आपको शारीरिक कष्ट में डालना नहीं। अगर आपको कुर्सी पे आपको जमता है तो वहाँ पे कुर्सी पे बैठना है, थोड़ा समय लगेगा आपको एडजस्ट होने में, आपका शरीर को आपको खुद को समझने में एडजस्ट में थोड़ा समय लगता है, हर एक का शरीर अलग रहता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ये ऐसा बैठना ही अच्छा है, आपको धीरे धीरे आपको बैठ के आपको समझ के आपको पता करना है कौन सा आपको आसन अच्छा रहेगा, उस तरह से आपको बैठना है। तो और हम जो है कल से जो है ये चालू करेंगे अष्टशील लेगा, तो शील का जो पालन है बहुत ही जरूरी है। बुद्ध के वचनों के अंदर भी कहा गया है कि जो शील का पालन करता है वो जो है बहुत उसके फायदे होते हैं, तो शील का पालन आपको करना है। तो हम आठ शील लेते हैं, वो शील के अंदर एक शील है दोपहर का भोजन के बाद में हम खाना नहीं खाएंगे, हमने टाइम नहीं रखा है, हमने कहा दोपहर का भोजन। तो कभी कभी आप ज़्यादा लंबा बैठते हैं मेडिटेशन के अंदर तो फिर आप लेट में भी खा सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, हमने कहा है दोपहर के भोजन के बाद में। मगर किसी किसी का मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, डायबिटीज है या फिर दवा लेते हैं और उनको शाम को कुछ खाना है, तो फिर क्या करेंगे कि दोपहर का भोजन का जो शील है वो नहीं लेंगे, वो तब आप वो मौन रखेंगे, ओके। और वो मौन रखने के बाद में आप जो है बाकी सात शील लेंगे, और जो अगर दोपहर का भोजन कोई खाना है तो आपको अभी बताना है, ओके। और मुझे पूछे बगैर आप डायरेक्टली वहां पे बात नहीं करना, ओके। अगर आपको खाना है तो हम परमिशन देंगे, आपको मेडिकल रीजन देना चाहिए। अगर समझो साइकोलॉजिकल रीजन है तो आप मुझसे आके बात कर सकते हैं, अरे मैं जिंदगी में ऐसा नहीं है, मैं पांच टाइम खाता हूँ, अभी आप कैसे बोल सकते हैं कि दो टाइम में खाऊँ, तो फिर आप मुझे आके बात कीजिए, मैं आपसे बात करूँ। अगर कोई मेडिकल रीजन है तो आप वो आपको ध्यान रखना है कि आपका शरीर के साथ आप झगड़ा कर रहे नहीं आए, तो अगर मेडिकल रीजन है तो आप खा सकते हैं, सिर्फ आपको वो नहीं लेना है। तो यहाँ पे कोई है जिसका मेडिकल रीजन है कि शाम को खाना पड़े, कोई है डायबिटीज या गैस क्या है आपको, डायबिटीज, तो अगर आपको खाना है तो खाइए, मगर जितना हो सके कम खाइए, जितना जरूरी है उतना ही खाना है। और जब हम आठशील लेते हैं तो जब खाने का भोजन का आता है तब आपको वो मौन रखना है, बाकी का शील लेना है। और कोई है,
आप आपको नो प्रॉब्लम नहीं है ना, आप शाम का नहीं खाएंगे तो चलेगा ना दोपहर के बाद में? वीकनेस आ जाता है वो साइकोलॉजिकल रीजन है, उसके लिए हम बात करते हैं आपसे। पंडित जी आपको दोपहर के बाद में आपको मेडिकल रीजन में कोई है खाना? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप तो खा सकते हैं, आपको मशीन भी नहीं लेना है, आप जो है आपको जैसा है आपको लगता है वो कर सकते हैं। फिर कोई दूसरा है? यहाँ पे तीन लोग हैं। वीकनेस के बारे में हम बात करते हैं, हाँ आप देखिए कभी कभी वीकनेस कभी कभी क्या होता है, क्या जब मैं पहली बार जब ऐसा सिचुएशन में गया था तो जब मैं यहाँ से इंडिया से थाईलैंड गया था तो वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है, फॉरेस्ट मॉनेस्ट्री, वहाँ पे एक टाइम ही खाते हैं एक टाइम, और वो एक टाइम कब खाते हैं? सुबह के 9 बजे। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं किस तरह से मेरा समय बीतेगा एक टाइम खाने के बाद में। तो फिर मैंने क्या किया कि पूरा जो लोग बोल में खाते, हम लोग जो ऐसे गए तो बोल में देते, तो बोल भर भर के मैंने लिया जितना हो सके उतना वहाँ पे, और मैंने पूरा इतना खाया कि शाम को भी मुझे जो है मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे नींद भी मुश्किल से आई इतना मैं खाया। तो फिर मैंने क्या किया अभी मैं कम करता हूँ, तो फिर मैंने आधा बोल कर दिया कि आधा बोल खाता हूँ। आधा बोल खाने पर भी मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मैंने खाया है, एक ही टाइम खाना है। तो फिर मैंने क्वार्टर बोल किया, तो फिर मुझे समझा कि इतना से खाने से भी हमारा शरीर चलता है, हमारा जो मानसिक है जो कि हमें इतना खाना है इतना ही हमें शरीर को जरूरत पड़ेगा, वैसा नहीं है, हमारा शरीर अपने हिसाब से चलता है। और जब आप उसके ऊपर ये करते हैं, कोई जोर नहीं देते हैं, तो वो अपने हिसाब से कार्य करता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर उसके साथ में सुबह समझो यहाँ पे खाते थे हम लोग 8 बजे या 9 बजे हमारा लंच होता था, फिर 4 या 4:30 बजे हम लोग कॉफ़ी चाय देते थे। फिर जब 6 महीना बीत गया तो मैंने वो कॉफ़ी चाय लेना भी बंद कर दिया, तो मैं सिर्फ एक समय का खाना खाता था और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। वो सारा मानसिक ही प्रॉब्लम था पहले जब मैंने चालू किया था, तो सारा मानसिक ही प्रॉब्लम था कि अरे मुझे इतना खाना पड़ेगा उतना खाना पड़ेगा। और ऐसा मैंने दूसरों का अंदर भी देखा, जो पहले दिन आते हैं वो लोग बहुत सारा खाते हैं, फिर धीरे 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 अगर देखेंगे 3 दिन 4 दिन के बाद उनका खाना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि उनका शरीर किस तरह कार्य कर रहे हैं उसको खुद ही पता चलता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको वीकनेस आ जाएगा या ऐसा है, तो आप जो है 1 दिन या 2 दिन नहीं खाना है। आज तो सब लोगों को कुछ ना कुछ दिया गया होगा, आज तो चलता है कि हमने अभी तक आटेशन लिए नहीं है, सुबह 5:30 बजे आएंगे तब हम चालू करेंगे, तो कल से बंद होता है। 2 दिन आप ट्राई करें, अगर 2 दिन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो वीकनेस भी एक लेजिटिमेट रीज़न है। वीकनेस अगर एक्चुअल वीकनेस होता है तो लेजिटिमेट रीज़न है कि आप खाना खा सकते हैं, तो वो सही कारण है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि अगर जो भूख है भूख भी एक तरह की बीमारी है। ओके, अगर आपको बहुत तीव्र भूख लगती है कि आप सो नहीं सकते, समझ नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, तो वो भूख भी आपकी एक बीमारी है। तो भूख अगर ज़्यादा लगती है तो भी आप ले सकते हैं। मगर आपको हमें पूछना है, अभी हमें पता है 2 दिन, तो 2 दिन आप लीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर हमें पूछें। ओके, तो और कोई सवाल है अभी? कोई आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको कोई समझ में नहीं आया, या जो हमने अभी आपको बताया है उसके बारे में समझ नहीं आया, आपको कोई सवाल है उसके बारे में? जैसे आपने वो मित्र कहा कि खुद के लिए देना है 10 मिनट तक देना है, अगर मैं 1 घंटा हम बैठते हैं तो 10 मिनट खुद के लिए और फिर दूसरे के लिए कितना और खुद के लिए कितना, ऐसा एडजस्ट कैसे करें? पहला 10 मिनट आप जब चालू करते हैं तब 10 मिनट आपको बैठना है, फिर बाकी अगर सुनो आप 1.5 घंटा भी बैठे तो 1 घंटा 20 मिनट जो भी है आप अपने कल्याण मित्र को दे।
हम इस तरह कहते हैं कि जो आपके पास है आप वो किसी और को दे सकते हैं, तो जब आप मेहता का अनुभव करते हैं तो ही आप कह सकते हैं कि किसी और को वो सुख पहुंचे। ओके, ऐसा धारणा से आप कहते हैं, ऐसा कुछ भेज तो नहीं रहा, तो धारणा से आप कहते हैं, या जो आप आपके मन के अंदर अगर आप छवि देख सकते हैं तो आपके मन के अंदर आपका कल्याण मित्र आपके हृदय में है, वो उस तरह के छवि देख सकते हैं और उस पर आप मेहता जो है जा रहा है, तो सारा समय जो बाकी का जो है वो आपको भेजना है। और ये जो है आपको पहला दिन या दूसरा दिन ही करना पड़ेगा, जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद में आपको सिर्फ डायरेक्टली आपको कल्याण मित्र को भेजना है। ओके, तो ये अपने आप को भेजना 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अपने आप को भेजेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अनुभव आता है, तो आप अपने आप को ही भेजते रहते हैं, ऐसा नहीं करते। 10 मिनट के बाद आपके कल्याण मित्र पे आते हैं। कल्याण मित्र का फिर से मैं बताता हूँ, कल्याण मित्र अगर आप पुरुष है तो पुरुष, अगर आप महिला है तो महिला। ओके, दूसरा वो परिवार का सदस्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परिवार के सदस्य के साथ हमारे कुछ ना कुछ तार जुड़े होते हैं, तो उसके बारे में विचार विचार साधु हो जाते हैं, तो परिवार का व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, मृत व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि मैं ये अपना मदर टेरेसा को रख सकते हैं कि नहीं, मृत व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, फिर वो बीमार नहीं रहना चाहिए, हॉस्पिटल में है या इस तरह से बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, वैसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। और वो ऐसा व्यक्ति रहना चाहिए कि आप दिल ही तमन्ना रखते हैं कि वो आप सुखी रहे। ओके, कोई भी जो आप जानते हैं जो अच्छा काम करता है, आप पर्सनली जानते हैं, अगर सब जो ऐसा हो कि आप पर्सनली ऐसा कोई व्यक्ति को जानते नहीं है या आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आ रहा है, तो आप पब्लिक फिगर तो ले सकते हैं, मगर एज ए लास्ट रिसोर्स, मीन्स आप अगर कोई मिल ही नहीं रहा है तो आखिरी चारे की तरह आप कोई पब्लिक व्यक्ति को ले सकते हैं। जैसे अभी दलाई लामा है, बहुत लोग बोलते हैं कि दलाई लामा अच्छा काम करते हैं, तो मैं दलाई लामा को देता हूँ, और उसको पहले नहीं लेना चाहिए। पहले आपको अपने ग्रुप पे मित्रों में जो आप जानते हैं जो अच्छा काम करते हैं, जिसका बारे में आपको मन में ऐसा है कि वो अच्छा हो, उसकी बारे उसका भलाई हो, वैसा एक व्यक्ति आपको ढूंढना मुश्किल नहीं रहेगा। एक व्यक्ति तो मिल जाएगा जो आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप उसके बारे में अच्छा मानते हैं और वो आप बोलते हैं कि उसका भला हो, तो एक व्यक्ति वैसा चुनना है और उसको भेजना है। अगर ऐसा ना हो और अगर आपको भेजना है सब जो दलाई लामा है या फिर कोई फीमेल का वो भी नाम तो नहीं आ रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो फिर आप ले सकते हैं, मगर वो एज ए लास्ट हो चुका। मगर अगर आपका ग्रुप के अंदर कोई रहेगा जो अच्छा काम करता है, जो आप मानते हैं कि वो अच्छा उसका अच्छा होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए, तो वो व्यक्ति का नाम आपको लेना है और उससे उसके साथ में आपको रहना है। ओके, जब तक हम ना कहें तब तक उसको बदलना नहीं। फिर आपको लगा नहीं नहीं वो तो जमा नहीं मुझे, मैं दूसरा कल्याण मित्र ले लिया, ऐसा करें, जो आपने कल्याण मित्र लिया है उसको आप मेहता भेजना है और उसे आपको बराबर सोच के आपको करना है। अभी आज के दिन के अंदर आपको जो है एक घंटा तो आपको बैठना है। ओके, अभी हमारा जब सेशन खत्म होगा उस सेशन के बाद में हम आधा घंटे का ब्रेक देंगे, आप जाके बाथरूम में जाके आ सकते हैं। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन से चालू करना है। ओके, एक सेटिंग तो आधा घंटे का मिनिमम आपको करना है। अभी आपका जो सोने का टाइम है 10 बजे का दिया है, 10 बजे का आपको सोने का टाइम दिया है, उठने का टाइम क्या है 5 बजे का है, तो कितना घंटा हो गया, 7 घंटा। दोपहर के अंदर आप लंच लेते हैं, उसके बाद में आपको एक घंटा मिलता है सोने के लिए। ओके, एक घंटा आपने लंच लिया, आए वापस, सब कुछ बैठे, तो भी एक घंटा आप देखें, तो आपको कितना घंटा नींद मिल सकता है, 8 घंटे। तो 8 घंटा नींद आप आराम से ले सकते हैं, तो भी आप 6 घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके अंदर वॉकिंग मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, तो आपको समय मिलता है। मगर समय आप बातें करने में, कुछ पढ़ने में, उस तरह से आपको आपको वेस्ट नहीं करना है। ओके, ज़ाया नहीं करना है वो जो समय है, समय का आपको अच्छा पूरी तरह, आप इधर आए हैं इतना मेहनत किया है तो आपको समय का पूरी तरह से इस्तेमाल करना है।
और कोई सवाल है? कोई चीज जो समझ में ना आई ऐसा लगा तो आप हमें अभी बताइए, तो आपको हम क्लैरिफाई करेंगे। कल जो है फिर से इस तरह से हम आपको बताएंगे, और कल हम बुद्ध के वचन आपको पढ़ के सुनाएंगे, और उसके बाद में फिर से क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन जो है आप पेपर पे भी लिख सकते हैं। कुछ पेपर है क्या ब्लैंक पेपर है? तो मैं यहाँ पे कुछ पेन छोड़ जाऊँगा, मैं पेन देता हूँ आपको, पेन लेंगे तो दो तीन पेन यहाँ पे छोड़ जाएंगे। अगर आपको सवाल रहेंगे तो उस पेपर पे आप लिख सकते हैं, और आपका नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सवाल लिखिए और हम वो सवाल का जवाब देंगे तो शाम को। और अगर आपको डायरेक्टली पूछना है सवाल आप वो पूछ भी सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पूछना है या आपका नाम नहीं बताना है तो आप सिर्फ पेपर पे आप लिख देना है सवाल, और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे शाम को। ओके, और कोई क्लैरिफिकेशन है ऐसा कुछ है? तो अभी जो है हमारा जो जब हम एंड करते हैं, ये एक हमारा प्रेयर रहता है, शेयरिंग ऑफ मेरिट बोलते हैं, वो अंग्रेजी में था, अभी वो हिंदी के अंदर मैंने वो प्रिंट आउट नहीं निकाला, कल अगर रहेगा तो हम वो प्रिंट आउट निकाल लेंगे वो हिंदी के अंदर, और आपसे शेयर करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग मैं अभी शेयर करता हूँ, आप सिर्फ उसे सुनिए। May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have acquired for the happiness of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu.